हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले एक मोबाइल फोन से आप अपने ब्लॉग के लिए कैसे डोमेन नेम बाय कर सकते हो, बाय करने के बाद कैसे आप अपने डोमेन नेम को अपने ब्लॉगर के अकाउंट से लिंक कर सकते हो, यानी कि कस्टम डोमेन नेम सेटअप सारा मोबाइल की प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिससे कि आप अगर एक मोबाइल फोन से ब्लॉगिंग शुरू किए हो तो आपको यहाँ पर इस वीडियो को जरूर पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मोबाइल फोन से कैसे आपको यहाँ पर कोई भी डोमेन नेम बाय करना है, बाय करने के बाद कैसे आप अपने ब्लॉगर से वो कनेक्ट करना है, इसकी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में एक मोबाइल फोन से बताने वाला हूँ। जिससे कि मोबाइल यूजर हो तो आपको इस वीडियो को जरूर पूरा देखना चाहिए। तो चलिए बिना कुछ देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कैसे आपको अपने डोमेन नेम को बाय करना है और बाय करने के बाद कैसे आपको अपने कस्टम डोमेन नेम को अपने ब्लॉगर से कनेक्ट करना है। मतलब तो जैसे हमें जो भी डोमेन नेम चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए वो आईबीडी एकेडमी, तो आपको टाइप करना है, देन सर्च का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सर्च होकर आ जाएगा, लोड होकर आ जाएगा, तो इसे आपको लोड होने देना है। उसके बाद उसकी प्राइस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो ए डोमेन नेम यहाँ पर 5200 प्लस का है। उसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके से डोमेन नेम है, इन्हें सिर्फ हम 400-500 रुपये में यहाँ से खरीद सकते हो, लेकिन हमें यहाँ से ybd.in चाहिए, तो हम यहाँ से .in टाइप करके यहाँ से सर्च करते हैं, तो इसकी प्राइस देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ से 200 रुपीज़ में यहाँ से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से बता रहा है ybd.academy.in, कुछ इस तरीके से डोमेन। इसकी प्राइस फाइनल कितनी लगेगी वो भी हम अभी देख लेते हैं। जैसे कि अभी इतनी सी प्राइस दिखा रहा है, लेकिन जिसे हम खरीदने जाएंगे तो एक्स्ट्रा प्राइस आपको दिख जाएगी। तो यहाँ से ऐड टू कार्ड हम करेंगे, तो उसके बाद आप देख सकते हो एक्स्ट्रा प्राइस आपको कितनी लगेगी। तो उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से कंटिन्यू टू कार्ड इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो आपको यहाँ पर हर एक साल के लिए ये रिन्यू करना पड़ता है, तो रिन्यू करने के लिए आपको लगभग यहाँ से 99 रुपीज़ का खर्च आएगा, यानी कि 1000 रुपये का खर्च आएगा हर एक साल के लिए रिन्यू करने के लिए। गो डैडी से अगर आप डोमेन नेम कोई भी परचेज करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ से गो डैडी, नहीं तो होस्टिंगर, इन दोनों साइट में से आपको यहाँ पर डोमेन नेम परचेज करना है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पर टिक मार रहेगा तो इसे हटा देना है, क्योंकि ये जो फ्री वाला है तो आपको इसे रहने देना है। और जो भी यहाँ से पैसे मांगते हैं जैसे कि ईमेल, तो आपको ईमेल को हटा देना है। तो इस तरीके से आ जाएगा, कंटिन्यू हम इस पर क्लिक करेंगे। तो फाइनल प्राइस कितनी रहेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, या से 2 ईयर के लिए आप देख सकते हो यहाँ से कितनी प्राइस रहेगी, इतनी प्राइस रहेगी। और साथ ही अगर आप 1 ईयर के लिए लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना है। या से आप देख सकते हो जितनी ज़्यादा ईयर के लिए आप यहाँ से डोमेन नेम परचेस करोगे उतनी कम प्राइस आपको लगेगी। तो 1 ईयर के लिए आप देख सकते हो 500 रुपीज़ की करीब हमारी प्राइस रहेगी। तो आप देख सकते हो 500 रुपीज़ हमें इस डोमेन नेम के लिए लगेगी, ybd.academy.in। कुछ इस तरीके से इस डोमेन नेम के लिए हमें इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा एक साल के लिए। तो हम इसे परचेज कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर ईमेल इंक्लूड हो जाएगा, तो इसे आपको डिलीट कर लेना है। जैसे कि डिलीट करने के लिए ऐसे ऑप्शन है, डिलीट इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि ईमेल ऐसे डिलीट हो चुका है, उसके बाद फाइनल प्राइस हमारी इतनी है, हम इसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। किसे परचेज करना है वो भी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो इतनी प्राइस हमें लगेगी, तो इसे परचेज करने के लिए यहाँ से आई एम रेडी टू पे इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले अकाउंट बनाना है, तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ से गोडेडी से डोमेन नेम परचेज करके दिखा रहा हूँ। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, तो प्रोफाइल आपको सबसे पहले एडिट करनी पड़ेगी। तो प्रोफाइल आपको बनाने के लिए आपका नाम एड्रेस डालना पड़ता है, क्या क्या डालना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। तो जल्दी से मैं अपना अकाउंट बना लेता हूँ, उसके बाद लॉगिन हो जाता हूँ। तो मैंने अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर लिया है। तो सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर नाम एड्रेस डालकर अकाउंट बना सकते हो। तो उसके बाद आई एम रेडी टू पे इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ से आप पूरी डिटेल में जानकारी देख सकते हो। यहाँ से आपको ऑर्डर की सारी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, यहाँ से किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हो, जैसे कि नेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट, उसका डेबिट कार्ड, या से किसी भी माध्यम से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनूंगा, जैसे कि डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से क्रेडिट कार्ड होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जिन आप देख सकते हो यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हो ऐसे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कार्ड नंबर, उसके बाद यहाँ से मंथ ईयर डालना है, उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालना है पीछे वाला 3 डिजिट का, उसके बाद यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से पेज आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो डोमेन नेम आपके पास मिल जाएगा, यहाँ से GST एंड टैक्स यहाँ से जो है इंक्लूड हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, टोटल प्राइस आपको यहाँ पर दिख जाएगी, 18 रुपीज़ आपको प्लस लगेंगे। नीचे आना है, कंटिन्यू परचेस इसका ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आप देख सकते हो मैं पेटीएम से पैसे यहाँ से पे करना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आप किसी भी अदर माध्यम से पैसे पेड कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैंने पेटीएम सेलेक्ट कर लिया है, तो पेटीएम से पैसे पेड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से पेटीएम नंबर डाल देना है। जल्दी से पेटीएम नंबर में डालकर ऐसे प्रोसीड में इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, OTP हमें डाल देना है। कुछ इस तरीके से OTP आ चुका है, तो हम OTP डाल देंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई इस पर हम क्लिक करेंगे।
तो उसके बाद देख सकते हो वेरीफाई हो चुका है कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा, या से आपकी बैंक लिंक है उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसका CVV कोड आपके यहाँ पर डाल देना है। देन आप देख सकते हो पे का ऑप्शन है, हम पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग में पेमेंट चला जाएगा, इस तरीके से प्रोसेस हो जाएगी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। या से रुपये का हमारा जैसे कि हमें जो भी बैंक लिंक है उस पर फिर से एक OTP सेंड किया जाएगा, पेटीएम में जो भी बैंक लिंक है उस पर OTP आ जाएगा, उसका भी OTP हमें यहाँ से डाल देना है। जैसे कि स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं जैसे कि OTP आ चुका है, OTP डालकर हम सबमिट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो OTP सबमिट हो रहा है और हमारा डोमेन नेम यहाँ से परचेस हो चुका है, यहाँ से देख सकते हो। या से आप देख सकते हो यहाँ पर सेव माई कार्ड का ऑप्शन है एंड देन आप यहाँ सेव भी नहीं कर सकते हो, तो जो भी प्रोसेस आपको अच्छी लगती है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हमें नोटिफिकेशन आ चुकी है कि आपका यहाँ पर डोमेन नेम सक्सेसफुली परचेस हो चुका है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये सारी प्रोसेस होती रहेगी और यहाँ से आप देख सकते हो रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो बाकी की इंफॉर्मेशन जैसे कि रिसिप्ट, ऑर्डर डिटेल, उसके बाद यहाँ से टोटल अमाउंट, उसके बाद आप देख सकते हो गो टू माई अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्टली आपके अकाउंट पर जा सकते हो, आप प्रिंट भी इसकी निकाल सकते हो। तो हमारा डोमेन नेम सक्सेसफुली यहाँ से परचेस हो चुका है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो डोमेन नेम देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, गो टू माई अकाउंट इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से पेज आपके पास आ जाएगा, चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ से आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आपको क्लिक करना है, माई प्रोडक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लिक कर आपके सारे के सारे डोमेन नेम देख सकते हो। अभी फिलहाल इसी अकाउंट से मैंने बहुत सारे डोमेन नेम परचेस करके रखे तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली लास्ट वाला दिखा देता। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ से YBD Academy जो हमारा डोमेन नेम था सक्सेसफुली यहाँ से परचेस हो चुका है, यहाँ से हमें यहाँ पर हमारा डोमेन नेम दिख जाएगा और साथ ही लिंक करने के लिए 3 डॉट का ऑप्शन है। अगर आपके पास ये नहीं आता तो आपको फिर से ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ से 3 डॉट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। माई प्रोडक्ट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। डोमेन नेम सक्सेसफुली परचेस कर लिया है, तो अब बात करते हैं कैसे आपको अपने ब्लॉगर अकाउंट से डोमेन नेम कैसे लिंक करना है, यानी कि कस्टम डोमेन नेम आपको कैसे लिंक करना है। जैसे कि आप देख तो रिफ्रेश करने के बाद हमारी साइट यहाँ से देख सकते हो academy ybd.blogspot.com कुछ इस तरह से दिखा रहा है, तो इसे बदल कर हमें रखना है ybd academy.in कुछ इस तरीके से। तो हमने कस्टम डोमेन नेम भी परचेस कर लिया है, तो कैसे आपको उसे लगाना है, कैसे कस्टम डोमेन नेम यहाँ से लिंक करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ से फिर से ऐसे गोडेडी का अकाउंट लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर हम 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से माई प्रोडक्ट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, आपका डोमेन नेम आपके पास नीचे दिख जाएगा, आपको उसके लिए नीचे आना है। जैसे कि नीचे आने के बाद यहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ से देख सकते हो YBD Academy, यहाँ से स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ से सेटअप का ऑप्शन आपके यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ से आपको सेटअप इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, या से फिर से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद डोमेन नेम ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तो उसके बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यूज़ माई डोमेन का ऑप्शन है, यहाँ से आप देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका डोमेन नेम यहाँ से दिख जाएगा, जैसे कि ybd academy.in इस तरीके से डोमेन नेम। तो हमें यहाँ से ब्लॉगर अकाउंट से लिंक करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो कि मैं आपको सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन से समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से पेज आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद नीचे से आप देख सकते हो मैनेज DNS का ऑप्शन आपके ऊपर मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है डोमेन नेम लिंक करने के लिए ब्लॉगर से। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ DNS मिल जाएंगे इस तरीके से, तो आपको नीचे आना है, यहाँ से चेंज का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ इस तरीके से पेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो कैसे चेंज करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको कैसे एडिट करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले ब्लॉगर अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो यहाँ से ब्लॉगर अकाउंट मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ से आपको जाना है अपने ब्लॉगर में, उसके बाद आपको जाना है यहाँ से 3 डॉट पर, जैसे कि 3 डॉट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आना है, यहाँ से कस्टम डोमेन नेम का ऑप्शन है, यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी डोमेन नेम परचेस किया है वो आपको पेस्ट करना है, जैसे कि हमने ए डोमेन नेम परचेस किया है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसे हमें लिंक करना है यहाँ से इसे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर WW लगा देना है कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से कुछ इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, उसके बाद इस तरीके से दिख जाएगा, और सेव का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। सेव इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको कुछ DNS मिल जाएंगे और CNAME आपके यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो।
तो आपको एक कॉपी कर लेना है। जैसे कि आपके अगर मोबाइल बैकग्राउंड फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, तो इसे आपको कॉपी कर लेना है। नहीं तो चाहो तो आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हो नेम लिखा रहा है www, उसके बाद डेस्टिनेशन यहाँ से आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो डेस्टिनेशन आपको यहाँ पर कॉपी करने के लिए कॉपी इस पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से यहाँ से आपको आपको यहाँ पर इस पर आना है नीचे। तो नीचे आने के बाद आपको सी नेम का ऑप्शन मिल जाता है थर्ड नंबर पर, नहीं तो फोर्थ नंबर पर दो ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, इन्हें सिर्फ आपको एडिट करना है। एडिट करने के लिए एडिट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। नेम पर आपको www सेम रखना है, यहाँ पर वैल्यू पर आपको यहाँ पर जो भी आपने कॉपी किया था वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको सारा सिलेक्ट कर यहाँ से पेस्ट करना है। जैसे कि हम पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने के बाद आपको सेव का ऑप्शन है नीचे, सेव इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे कि हमारा पहला काम यहाँ से हो चुका है, हम फिर से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर पहला काम हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो, तो चेंज हो चुका है। दूसरा भी हम चेंज करने के लिए एडिट पर जाएंगे। एडिट पर जाने के बाद जैसे कि आपको सिर्फ सी नेम चेंज करने है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फिर से हम ब्लॉगर पर आएंगे, जैसे कि ब्लॉगर हमने ओपन कर लिया है। तो दूसरा आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से दूसरा नाम क्या है, यहाँ से आपको ओ कॉपी कर लेना है। ऊपर का आपको नाम का कॉपी करना है, जैसे कि नेम यहाँ से इतना है तो हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ से आएंगे, यहाँ से आने के बाद यहाँ से जो नेम है इसे हम पेस्ट करेंगे। पहले वाला www था इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये यहाँ से बदल देंगे पेस्ट कुछ इस तरीके से। वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ से आकर वैल्यू हमें देखनी है। जैसे कि यहाँ से देख लिए वैल्यू, कॉपी करेंगे, डेस्टिनेशन आपको वैल्यू डाल दे रही है। तो हम फिर से यहाँ से आकर यहाँ से वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट कर यहाँ से हटा कर यहाँ से इसे पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से पेस्ट करेंगे। देन सेव का ऑप्शन है, हम सेव इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो सारी प्रोसेस हो चुकी है सक्सेस। तो हमारा यहाँ से हो चुका है चेंज। तो हमें अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है तो हमें यहाँ से कुछ नहीं करना अभी फिलहाल। आपको ब्लॉगर पर आना है, देन सेव का ऑप्शन है, आप यहाँ से देख सकते हो। एक काम आपको करना है, यहाँ से सेव इस पर क्लिक करना है। चाहो तो आप यहाँ से कस्टम डोमेन नेम बाय भी कर सकते हो। अभी फिलहाल हमने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से वेबसाइट से डोमेन नेम यहाँ से बाय किया है, तो हम डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं। तो सेव हम इस पर क्लिक करेंगे, तो सेव करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपको रिडायरेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और चाहो तो आप यहाँ से HTTPS को ऑन करने का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर एक काम कर देना है, इसे ऑन कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोनों ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, उसके बाद हमें इसे भी ऑन करना है रिडायरेक्ट, यानी कि कोई भी यहाँ से ये सर्च कर लेता है तो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर आ जाए। उसके बाद ये वाली हमारी पहली वेबसाइट थी, और उसके बाद हमने जो भी डोमेन नेम परचेस किया है .in कुछ इस तरीके से, ये वाली हमारी पहली वाली वेबसाइट थी। उसके बाद कस्टम डोमेन नेम आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से हमने रिडायरेक्ट इस पर किया है। तो इस तरीके से हमारी वेबसाइट यहाँ से रेडी हो चुकी है, ब्लॉग रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ से पेज रिफ्रेश करके दिखा देते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे हटा देना है, जैसे कि सेव हो चुका है। तो हम फिर से यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, व्यू ब्लॉग का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी फिलहाल हमारा गोडैडी का सारा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, काम हो चुका है। तो अभी फिलहाल देख सकते हो कुछ इस तरीके से एरर आपके पास आ जाएगा। तो ये एरर कैसे आपको सेट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसे डोमेन नेम हम जैसे कस्टम डोमेन नेम लिंक करते हैं, तो इसे लिंक होने में 10 या 12 मिनट लग सकते हो, 10-12 मिनट आपको वेट करना है। तो अभी फिलहाल हम गोडैडी का ऑप्शन यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, अभी फिलहाल सारा काम हो चुका है। तो आप यहाँ से लॉग आउट भी हो सकते हो। तो इस तरीके से सिर्फ सी नेम आपको यहाँ पर चेंज करने हैं। फोर्थ नंबर पर सी नेम आपको दो देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि ए वाला और ए वाला, ये हमें चेंज करना है। चेंज क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद यहाँ से नेम और वैल्यू आपको चेंज करनी है। एडिट पर जाने के लिए आपको यहाँ पर पेंसिल का आइकॉन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है और देन आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो सिंपल प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है। तो हमने यहाँ से चेंज कर लिए, उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से एरर आ रहा है, जैसे कि हमारी पहली वाली वेबसाइट कुछ इस तरीके से थी। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, एकेडमी यहाँ से ybd.blogpost.com इसे बदलकर हमने ybd.academy.in कुछ इस तरीके से डोमेन नेम परचेस कर कर लिंक किया है। तो हम फिर से इसे रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर अभी लिंक नहीं हुआ, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो वेट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका डोमेन नेम डायरेक्टली ऐसे ओपन होकर आ जाएगा। तो अभी फिलहाल 10-12 मिनट वेट करते हैं। तो वेट करने से पहले कुछ सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास अगर आपने डोमेन नेम लिंक किया है अपने ब्लॉगर अकाउंट से और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, ज़्यादातर लोगों को एक प्रॉब्लम आता है, या से आप देख सकते हो, या से एक आइकॉन है या से ऊपर या से देख सकते हो। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से लिखा आता है कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। तो कनेक्शन सिक्योर करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब तक कनेक्शन सिक्योर नहीं होता तब तक आपको यहाँ पर एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कनेक्शन इज नॉट सिक्योर बता रहा है, तो आपको इसे सिक्योर करने के लिए ब्लॉग पर जाना है। ब्लॉग पर लॉग इन होने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, नीचे आना है, सेटिंग ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद नीचे आना है डोमेन वाले ऑप्शन पर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर डोमेन नेम हमने परचेस किया था, उसके बाद वो लिंक किया है, रिडायरेक्ट किया है, इसे एनेबल करना है। इसे एनेबल करने के बाद इसे भी एनेबल करना है, इसे भी एनेबल करना है। अगर बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है तो आपको फिर से आकर यहाँ पर HTTPS को आपको दोनों को ऑन करना है, तभी आपका यहाँ पर कनेक्शन नॉट सिक्योर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये बातें ध्यान में रखनी है। इस तरह से तीनों ऑप्शन आपको ऑन रखनी है, बाकी की सेटिंग आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम फिर से यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। मुझे लगता है ऐसे 10-12 मिनट हो चुके हैं, तो फिर से मैं यहाँ से ब्लॉक पर आकर थ्री डॉट का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करूँगा, नीचे आऊँगा व्यू ब्लॉक का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा डोमेन नेम ऐसे लिंक हो चुका है YBDAcademy.in, कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो इस तरीके से आप सिंपल सा डोमेन नेम लिंक कर सकते हो आपके ब्लॉग अकाउंट से। कैसे बाय करना है उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहो तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो इस तरीके से कंप्लीटली प्रोसेस है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। इंपॉर्टेंट लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर डोमेन नेम बाय करने के लिए डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डोमेन नेम परचेज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही आपको कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन कूपन कोड को यूज कर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट और पा सकते हो, और साथ ही आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर चाहिए उन वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहो तो वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने डोमेन नेम को बाय कर सकते हो, ब्लॉगर से कनेक्ट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। जितने भी एरर आते हैं उनको कैसे सेटअप करना है सारी डिटेल में बताने की कोशिश मैंने आपको इस वीडियो में की है। तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए अभी मिलते हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।